हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है 15/3/2022 और आज कॉमर्स का जो पेपर से बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, उसमें कितने सेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो बुक कीपिंग का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन जो टाइम स्लॉट यहाँ पे दिया गया है वो टाइम स्लॉट 2020 में था, लेकिन 2022 में टाइम स्लॉट को बढ़ा के 3 घंटा 45 मिनट्स कर दिया गया है, क्योंकि जो पेंडेमिक है उसके कारण, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप इसके अंदर किस तरह से आसानी से जो मार्क्स है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन 1A में, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल पार्ट्स हर बच्चों के लिए आसान होता है, क्योंकि अगर आप थ्योरी में पढ़ के जाओगे तो आप आसानी से कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉमर्स वालों के लिए फेवरेट है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, और डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हिच रिसिप्ट आर कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का जो आंसर है वो इतना टफ नहीं है, आप इसका जो आंसर है आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में किस तरह के जो क्वेश्चन है आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे सब क्वेश्चन भी करके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुक कीपिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है राइट अ वर्ड टर्म प्रेजेस एज अ सब टाइटल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वहाँ पे 1 मार्क्स का दिया गया है। और इसके लिए यहाँ पे आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस द इनक्योर और द डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म, द रेशो मेजरमेंट मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट सेल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन सी है, जिसके अंदर आपको MCQ दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस MCQ को पहले फिल करना है और उसके बाद उसको राइट आंसर करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन वाली पार्ट ही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेशन अच्छे से करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी MCQ है यहाँ पे आपको कुछ थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, कुछ कैलकुलेशन वाले पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसके लिए टोटल 5 मार्क्स दिए गए हैं, यानी 5 MCQ के लिए आपको 1-1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स में भी 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी सिंगल सेंटेंस MCQ, फिर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल कितने 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं इसके अंदर 80 में से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको क्या पूछा है, एक पर्टिकुलर दिया है और अमाउंट दिया गया है और आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है और उसी के हिसाब से क्या करना है, आपको ये करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 8 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ द 31 मार्च 2066, ठीक है, 2016। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जयस और कमल है उनके बीच जो पार्टनरशिप है फार्म को लेकर, उसमें शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे 3:1 बताया है, तो उसी को अपने इसमें बताना है और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन 6 देख सकते हैं, जिसके लिए आपको 12 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो सब में आपको यहाँ पे बैलेंस शीट वाला जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है आपको करके जाना है, ठीक है, क्योंकि सब में क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला ही क्वेश्चन आया है और लगभग कि 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक बार देखा है, रिवाइज़ किया है, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा यही फोकस है कि आप लोग जितने भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन हैं आप लोग करके जाइए, आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पेपर के, आपका आसानी से आप 80 में से 75 ऑफकोर्स 70-75 आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।